हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि कल की 2898 AD के पार्ट टू में क्या होने वाला है। तो मूवी के अंत में अश्वत्थामा और भैरवा शंबाला में होते हैं, जहाँ शंबाला का एक लड़का, एक विरदोई, भैरवा को शंबाला ले आता है क्योंकि उसे लगता था कि भैरवा उनकी मदद करेगा। लेकिन भैरवा किसी की मदद करने नहीं बल्कि सुमति को लेने आया था। लेकिन फिर हमारे सामने एक ट्विस्ट आया और वो ये था कि कोई और नहीं बल्कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण है। अब यहाँ से आगे मामला थोड़ा रोमांचक हो जाता है क्योंकि अश्वत्थामा अमर है, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। लेकिन कर्ण तो महाभारत के युद्ध में मारा गया था, तो वो यहाँ कैसे? मुझे लगता है ये कर्ण का पुनर्जन्म, और वो अभी तक खुद को पहचान नहीं पाया है, इसलिए विजय धनुष के संपर्क में आते ही वो इतना शक्तिशाली हो गया। और थोड़ी देर बाद भैरवा को होश आ गया, और बातें भी समझ में आती हैं कि भैरवा अश्वत्थामा के सामने कैसे टिक पाया और वो इतना शक्तिशाली कैसे था, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। तो जहाँ तक सीक्वल की बात है, तो ये विजय धनुष भैरवा को याद दिलाएगा कि वो असल में कर्ण है और उसे सुमति को पाना है। लेकिन भैरवा सुमति को अपने उड़ते हुए रथ में बैठाकर भाग निकला, तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि वो सीधे कॉम्प्लेक्स में घुस गया। बुज्जी बहुत बहुत टूटा हुआ था, और जाते वक्त बुज्जी को पिछला हिस्सा गिराना पड़ा ताकि वो वहां से निकल सके, जिसकी वजह से भैरवा अंबाला से निकल तो जाएगा लेकिन बुज्जी जाते ही डैमेज हो जाएगा क्योंकि वो बहुत टूटा हुआ है, जिसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स पर भी फोकस किया गया। जैसे कर्ण का हथियार विजय धनुष जो अश्वत्थामा या अर्जुन के पास था, यास्किन को जो धनुष मिला है, इन हथियारों का बहुत महत्व था क्योंकि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो शक्तिशाली हथियारों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी हल्की बंदूकें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ने वाली हैं। तो हाँ, हमें भविष्य में ऐसे और भी हथियार देखने को मिलेंगे। यास्किन अर्जुन का धनुष गांडीव उठा लेता है, लेकिन कोई भी इंसान या मशीन गांडीव को उठा नहीं पा रहा था। फिर यास्किन ने इसे कैसे उठाया? इसका कारण यह है कि सुमति के भागने से पहले आस्किन में इम्प्रूवमेंट्स आ गए थे, उसका शरीर ठीक हो गया था और उसे ईश्वरीय शक्तियां भी मिल गई थी, क्योंकि उसे भगवान कल्कि से एक बूंद मिली थी और इसी वजह से वह गांडीव को उठा पाया था। यहाँ आशकिंग कहता है कि अब वह खुद जाकर सुमति को पकड़ेगा, जिससे मुझे थानोस का एक डायलॉग याद आ गया। डायलॉग ये था कि ठीक है, मैं खुद ही कर लूँगा। खैर, अब जब यास्किन ने कह दिया है तो वह जरूर आएगा। हालांकि इस पिक्चर में उसका रोल सिर्फ कम था, भले ही हम उसका कुल स्क्रीन टाइम जोड़ लें 10 मिनट मत बैठो, लेकिन सिक्वल में बहुत बवाल होगा क्योंकि वहाँ दोनों हीरो आमने सामने आएंगे। जब कल्कि में तो अश्वत्थामा पहले से ही था, लेकिन कर्ण को देखकर सब हैरान रह गए। तो क्या भविष्य में भी ऐसे और किरदार आएंगे? तो देखिए, जब सूर्य पुत्र कर्ण आ गया है तो भगवान का पुनर्जन्म भी दिखाया जा सकता है, साथ ही कुछ बुरे किरदारों का पुनर्जन्म भी सक्षम पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि सेनापति की मृत्यु के बाद अस्किन वहाँ अकेला रह जाता है, तो उसके बाद भी कुछ बुरे किरदार होने चाहिए। और हाँ, एक बात और, भले ही पुनर्जन्म होना पड़े लेकिन बाकी अमर किरदारों में से कुछ ज़रूर आ सकते हैं, जैसे भगवान परशुराम जो कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे और उसे युद्ध करना सिखाएंगे। फिर भगवान हनुमान जो यास्किन से युद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे, और अश्वत्थामा तो पहले से ही यहाँ है, तो इसका भविष्य बहुत मजबूत होने वाला है। अंत में यही लिखा है कि कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स जारी है, देखिए फ्रेंचाइजी उसे कहते हैं, जहाँ एक ही मूवी के किरदार साथ में होते हैं, सीक्वल बनते रहे लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में अलग अलग किरदारों पर अलग अलग मूवी बनती हैं, और फिर वो भविष्य में एक ही मूवी में साथ आते हैं, जिसे क्रॉस ओवर मूवी कहते हैं। अब जब उन्होंने इसका नाम कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स रखा है तो उनके दिमाग में कुछ मूवी तो होगी ही, चाहे अलग अलग चिरंजीवी पर अलग अलग मूवी बनानी हो या फिर महाभारत पर मूवी बनानी हो, क्योंकि भाई महाभारत के जो भी प्रकार उन्होंने दिखाए थे वो बहुत ही कमाल के थे। अगर पूरी मूवी ऐसे विजुअलाइज के साथ बनेंगी तो मज़ा तो आएगा।
अब उन्होंने इसे ब्रह्मांड कहा है, तो शायद ये संभव हो या फिर कुछ अलग किरदारों पर हमें फिल्में मिलें। लेकिन कुछ तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का मतलब भी यही है। बस इतना समझ लीजिए कि हमें कल्कि के सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि मल्टीपल फिल्में मिलने वाली हैं, क्योंकि कल्कि अवतार ने अभी जन्म भी नहीं लिया है। तो वो अब कब जन्म लेगा और कब बड़ा होगा, काली को हराएगा, तब तक इस ब्रह्मांड को अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है और किया भी जाएगा, क्योंकि काल का सिनेमेटिक ब्रह्मांड है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।